फाइनली मैं घर पे वापस आ गया हूँ। अगर तुम्हें नहीं पता था तो मैं गया था दिल्ली एक छोटे से काम की वजह से। अभी मैं घर पे आया हूँ और मेरे पास कोई सी भी वीडियोस रिकॉर्डेड नहीं रखी थी, एंड तुम जैसे कि देख सकते हो मैंने नहाया भी नहीं है, और प्लस मेरे को भूख भी लगी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग खाते खाते एक वीडियो बनाएं, दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो दैट्स इट एवरीबॉडी, मेरा नाम है रचित और आप लोगों का स्वागत है रचित। तो एक्चुअली आज के दिन, जैसे कि तुम लोगों को पता है, कुछ दिन पहले मैंने ट्राई नॉट टू लाफ की वीडियो बनाई, एंड वाओ यूट्यूब ने वो वीडियो एज रिस्ट्रिक्ट कर दी। वो वीडियो इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी, मैं बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन यूट्यूब को मेरी खुशी से थोड़ी सी जलन हो रही है आजकल। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे चैनल के साथ, मेरे को लग रहा है भाई यूट्यूब छोड़ना पड़ेगा मेरे को, ठीक है, क्यों ना आज के दिन मैं रोलूं। दैट्स व्हाई आज के दिन हम लोग देखने वाले हैं सैडेस्ट माइनक्राफ्ट एनिमेशंस। बट जैसे कि मैंने बोला कि मैंने नहाया भी नहीं है, मेरे को भूख लगी थी एंड मेरे को वीडियो भी बनानी थी, तो सबसे इजी चीज यही था कि मैं किसी चीज के ऊपर रिएक्ट करूं। एंड तुमको पता है मेरे को रिएक्शन करना कितना पसंद है। कोई नहीं बोलेगा मेहनत नहीं करते हो रचित। ओके, तो मजाक से हट के आज के हम लोग देखने वाले हैं एक सैड माइनक्राफ्ट एनिमेशन। देखो ये वीडियो देखने का मेन रीजन ये है कि मेरे को ये वीडियो बहुत ज्यादा रिकमेंड हो रहा है, और तुम लोगों ने ये थंबनेल 100% देखा होगा क्योंकि मेरे को रिकमेंड हो रहा है, तो तुम्हें भी रिकमेंड हो रहा होगा। एंड इस वीडियो पे 14 मिलियन व्यूज है। ये व्यूज कहां से आते हैं भाई। ओके, लेट्स सी इस वीडियो में क्या खास है। ओके By the way, मैं बर्गर खा रहा हूँ। एक पुअर जॉम्बी बेबी है, समझ गया मैं। मुझे खाना मांग रहा, कोई खाना नहीं दे रहा है। ओके नाइस। नो, अरे भाई इसने देख लिया देखते हुए। अरे क्यों भाई, किस लिए भाई? तुमको पता है एक भूखे इंसान को खाने की कितनी जरूरत होती है? तुम्हें मैं ये चिंगा रहा हूं, देखो। देखो मेरे बर्गर को देखो। तुम्हें पता है एक भूखे इंसान के सामने खाना रखने के बाद वो खाना ले जाना कितनी गलत बात है? ये ब्लेजर नर्क में जाएगा। उस बच्चे को खाना नहीं देने दिया भाई। बेचारे का पेट। उसे इसको दुकान दी थी दे। चोरी नहीं करने का ब्रो, चोरी नहीं करने का, नहीं प्लीज ब्रो, चोरी नहीं करने का, गलत हो जाएगा फिर तू। ओ पकड़ लिया भाई इसने चोरी करते हुए। रे यार खाना दे देता ना भाई, इतनी गालियां क्या सुनानी भाई उसको। ये इसका घर है क्या? नो यार डेड भाई। सोने का नेकलेस है रे भाई, सोने का नेकलेस है भाई तेरे पास, उसके बावजूद भी तू गरीब है क्या रे? ओ इन्होंने देखा भाई। स्टीव एंड एलेक्स, ओके फाइनली किसी ने तो खाना दिया। व्हाट, ये इनसे खाना क्यों नहीं ले रहा है भाई? अब ये बच्चे भी नाटक दिखा रहा है, खाना मिल रहा है तो ले लेना। ओके ले लिया। अबे दोबारा भूख लगाई इसको, अभी तो खाना खाया था रे भाई। पानी बस में लगा, इसके पास घर भी नहीं है। ओ ये बच्चा वापस आ गया। अबे बुरा लग रहा भाई मेरे को इसके लिए। ओ इसके पास ना फैमिली है ना कुछ रे। ओके भाई भगा देगा वो ब्लेजर इसको। अरे पागल, ईश नो रे।
भाई ओके बारिश चली गई भाई, ये चोरी मत करे प्लीज। बच्चे मिल जाएगा खाना तेरे को ज़ॉम्बी बॉय। क्या जंप मारा भाई, ये उसी प्लेजर से पंगे ले रहा है जो उसको पसंद नहीं करता। गलत किया, चोरी नहीं करनी चाहिए थी कैंडीज। ओके रे दोबारा हो गया, कैंडी तो ले ली, मुझे लगा दोबारा पकड़ जाएगा। अरे यार क्यों पकड़ रहा भाई, या तो चोरी सही से कर। रोक लिया इसको, किसने रोका, एलेक्स ने? अरे एलेक्स नहीं रोका। एलेक्स ने पैसे दे दिए भाई इसके। आई थिंक इसको अपना बच्चा बना लेंगे, अपने घर पे ले जा रहे हैं। भाई तेरे को रुपए मिल गए, तू क्यों गुर्रा रहा है रे? नाइस, घर मिल गया भाई इसको। भाई कपड़े क्यों नहीं चेंज किए तूने, घर मिल गया तो। अभी ये इन्हीं के साथ रहने लगा। क्या हुआ? इसने भी पकड़ ली। नाइस। भाई अब तो तेरे को पेरेंट्स भी मिल गए, अब क्या दिक्कत है? सीख रहा है अभी ये सारी चीजें ना। कचरे भी बनाया जा रहा भाई इसका। नाइस। अभी आई थिंक कुछ सैड चीज आना बाकी है। मौसम चेंज हो रहे, बड़ा हो गया वो, ये बच्चा बड़ा हो गया भाई, अब तो भाई ज़ॉम्बी बन गया। सब बच्चे डराने लगे बे इससे। ये लेगा ही नहीं मेरे हिसाब से, मना कर रहा है। सैड लाइफ भाई। दिक्कत ये है कि ये ज़ॉम्बी है, मतलब समझ गया मैं, तो ये ज़ॉम्बी का बच्चा है, दैट्स व्हाई लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं, और एलेक्स एंड स्टीव ने इसको अडॉप्ट कर लिया। ओ भाई ये इनको बताने लगा कि ये बड़े हो गए भाई और भी डेंजरस बन जाएगा।
कॉन्स्पिरेसी बना रहे भाई अभी ये लोग भाई। नो समझ रहा मैं आगे क्या होने वाला है। अभी इसको पेरेंट्स से अलग कर दिया जाएगा, ये मारने जा रहे उसको। कितना खुश हो रहा रे। आगे ओके भाई मेरे रूम में चूहा आ गया एक। नो भाग जा भाई तू पकड़ लिया जाएगा। ये भाई कैद कर लिया भाई इन लोग को। अभी आई थिंक इसको बचाना है इनको। कैसे बचाएगा ओके जॉम्बी देख लेंगे भाई, ब्लेजर्स देख लेंगे। चाबी निकाल ली इसने। ओके जग गया ये। नहीं चिल्ला दिया भाई उसने, भागो जल्दी ब्रा। पकड़ लिया। नहीं रे ओके बोट भाग जाओ भाई बोट लेके। ओ माय गॉड किसके लगेगा ये तीर। ओ ब्रो स्टीव के लग गया तीर। चूतिया तेरे को तो मैं मार दूंगा, तेरी एक आंख फूटी मैं दोनों आंख फोड़ दूंगा तेरी भाई। बच गया ये लेकिन चोट लगी है। मर गया क्या? दूसरी जगह पे आ गई। मर गया वो। ये लोग नया घर बना रहे अपना। नाइस भाई ढूंढ लिया इसने। ये सिप ले आया इधर सर। भाई क्यों पड़ा इनके पीछे
अपना काम कर भाई, इन्हीं के पीछे पड़ गया ये तो। What? और कोई भी है यहाँ पे? एक छोटी सी बच्ची है, भाग गई भाई देख के, ज़ॉम्बी का बच्चा है भाई। आई थिंक पकड़ लेंगे वो बच्ची भाई, पकड़वा देगी इसको। सायस से ओ भाई शिप आ गई यहां पर ही। नो ये रही स्टीव, क्या करेगी अब तू एलेक्स? स्टीव तो मर गया। ये लड़की की अलग फैमिली है यहाँ पे ज़ॉम्बीज की। ये इन्हीं का बच्चा है। ओ ये इनका ही बच्चा था। अब बता रही है ये। ओ ज़ॉम्बी ब्लेजर्स का गांव था और ये ब्लेजर्स ने उनको भगा दिया था। तब ये ज़ॉम्बी भाई इस बच्चे को छोड़ आया था। ओके ओके समझा मैं। ओ अच्छा यही था जिसने इसके पेरेंट्स को मारा था। ब्रो मार दिया रे। ओके यार कितना कितना खराब इंसान है भाई वो। उसने इसके पेरेंट्स को भी मार दिया रे, तभी समझू उसको क्यों इससे इतनी दिक्कत थी। उसने स्टीव को भी मार दिया बेचारी को, एलेक्स बची अभी। एटलीस्ट इसको इसकी फैमिली मिल गई, लेकिन अभी एलेक्स को पकड़ लिया। भाई इसको तो मारना चाहिए यार सीधा। ओ नो आई थिंक फाइट हो गई अभी। ओके नाइस ओ नहीं अभी यार क्यों? Hmm.
भाई इसको तो मार देना चाहिए भाई, इसने सबको मार दिया भाई। ओके ओ क्यों इसके डैड को मारा था ऐसे। इसको याद आ गया भाई। रो तीर खत्म हो गए। अभी अभी बता क्या करेगा। साउथ मूवी चल रही है भाई। मार दिया नाइस। सिप भी डुबा दी। ये भी मर गया। नो अरे अच्छा ये नहीं मरा, ये जिंदा है। लेकिन स्टीव मर गया, एलेक्स भी मर गई। नो यार उनकी क्या गलती थी, उन्होंने ही तो उस बच्चे को खाना दिया रे। ये बहुत ही सैड था। यस आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इससे ज्यादा मैं इमोशनली हो सकता हूँ। ऑलरेडी मैंने दो लोग की डेथ देख ली, अभी दो नहीं तीन लोग की डेथ देख ली है मैंने। ठीक है इससे ज्यादा मैं डेथ नहीं देख सकता हूँ। आज कितना ही, मेरा नाम है रशीद, मैं बोलूंगा तुम लोगों को एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।